आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा, खट्टर सरकार रोजाना नए नए टैक्स लगाकर आम जनता को लूटने का काम कर रही। अभी टोल टैक्स की दर में इजाफा कर जनता की जेब काटने को सप्ताह भी नहीं हुआ कि खट्टर सरकार ने FSA चार्ज लगाकर जनता पर एक और बोझ डालने का काम किया। उन्होंने कहा, सरकार ने सभी वर्गों को लूटने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की खट्टर सरकार जनता पर तानाशाही फैसले थोप रही। उन्होंने बताया, हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है 47 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया, जबकि 5 पैसा प्रति यूनिट FSA टैक्स लेवी के रूप में बिजली बिलों में जोड़ा गया। इस तरह उपभोक्ताओं पर 52 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त मार पड़ने जा रही। उन्होंने कहा, खट्टर सरकार अडानी अन्य बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को जानबूझकर भार में डाल रही है।